हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रश्मि किचन। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए ये कच्चे आम का मीठा अचार बनाऊंगी, गुड़ का। तो ये देखिए, हमने कच्चा आम ले लिया है और ये देखिए हमने घर में ये तैयार किया है। ये मसाला भुना जीरा है और भुना पिसा मसाला है। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है, सौंफ है, कलौंजी और मेथी है, नमक है सर। और ये देखिए ये अचार का मसाला है, ये आम के अचार का मसाला है, मीठे अचार का मसाला ये हमने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं बाद में डाल दूंगी। ये सूखा मिर्चा है और ये देखिए हमने लिया है गुड़। अब मैं इसको आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने लंबी लंबी इसकी फाके कर दी, काट कर दी। अब मैं ये गैस जला रही हूँ और ये देखिए कढ़ाई जल रही, तो मैं इसमें तेल से बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहता है। खुशबू इसकी अच्छी आती है तेल से, तेल से बनाइए, कड़ुक तेल से बनाइए, ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए तेल मेरा हो जा रहा है। अब मैं इसमें ये डालूंगी, पहले मेथी डालूंगी, ये देखिए मेथी हो जा रही है। अब मैं इसमें देखिए सौंफ डाल रही हूँ, सॉफ्ट हो जा रही है। एक छोटी सी वीडियो आप देखिए, घर में ट्राई करिए। आजकल पूरी पराठे से मीठा अचार खाने का बड़ा अच्छा स्वाद रहता है। और ये देखिए मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, पूरी पराठा बहुत अच्छा लगता है। आजकल सीजन भी है मीठे अचार से खाने का, और मीठा अचार बहुत टेस्टी लगता है। और आप खाइए, अपने घर में ट्राई करिए। अब मैं इसमें सूखा मिर्चा डाल दूंगी, अब सूखा मिर्चा मेरा हो गया। अब मैं इसमें आम डाल दे रही हूँ, सारे आम इसमें मैंने डाल दिए। अब आम हो जाए ये, अब मैं थोड़ी देर फिर इसमें मसाला डाल के फिर मैं ढक देती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसमें मसाला डाल, देखिए लाल मिर्च पाउडर और नमक में डालना, इसमें गुड़ पड़ेगा तो नमक इसमें आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब ये हो जाए तब मैं इसमें आपको गुड़ डाल के तब मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी इसको मैं धीमी आँच थोड़ी देर मैं ढक के दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो गाइस देखिए लाल लाल पूरा हो गया, देखिए पक गया। अब मैं इसमें गुड़ ऐड करूंगी, देखिए अब मैं गुड़ ऐड करूंगी। ये देखिए गुड़ हमने लिया था, आपको जितना मीठा खाना हो अपने अंदाज से डालिए, क्योंकि ये खट्टा बनता है, थोड़ा इसमें गुड़ की मात्रा ज्यादा रहती है। ये देखिए इसमें थोड़ा गुड़ की मात्रा ज्यादा, ये तो खट्टा इसका कुछ कम हो जाता है। ये देखिए अब अच्छे से गुड़ हो जा रहा है, ये देखिए पूरा बन के रेडी हो जा रहा है। ये देखिए आप अपने घर में छोटी सी वीडियो ट्राई करिए और बनाइए, गरम गरम पूड़ी पराठे खाइए। ये देखिए अच्छे से बन के ये देखिए रेडी हो गया है। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छोटी छोटी वीडियो मेरी आती रहती है। देखो बिल्कुल पक गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया। ये देखिए आपको ये छोटी सी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। मेरा चैनल आप लोग आगे बढ़ाइए। ये देखिए हो गया, आप इससे पूड़ी पराठे खाइए, बहुत टेस्टी होता है और बहुत खुशबू भी आ रही है। ये देखिए अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस देखिए खूब अच्छे से बन गया, ये देखिए कलर भी आ गया और खुशबू भी आ गई। आपको ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसको देखिए आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मेरा चैनल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। और मैं नई नई वीडियो के साथ इसी तरह रोज बनाती हूँ मैं ये वीडियो, मेरा वीडियो देखिए, मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। आपको ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक।